भी कमा खा लेंगे हम शादी। जाँच तो आप करवा रही हो, जाँच करवा रही हो, हम तो करवाएंगे। चार्ज तो नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो जो हमारे यहाँ हम नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे और रहेंगे। देखो फिर तो बात है ना, फिर तुम तो लड़ो फिर कानून से। चलो आप लड़ेंगे तो पीछे पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब सस्ती जा रही है, एफ आई आर लिखाइए, तलाक के लिए आप जानिए, आप बताइए झगड़ा होने से। आपने मतलब आप एक बार यार बैठ के सोचती होगी तलाक इतना बड़ा फैसला होता है। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला किए हुई है। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को SDM बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से है। मैं सर लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन टुलिक, मैरियट होटल में सारे लोग जाके रुकते हैं। चार दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे DPRO से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं सर। आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा सर? वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारी ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट्स वायरल कर दिए हैं, वो उनसे तलाक चाहती हैं। PCS ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में GM के पद पर तैनात हैं। देखिए आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के लिए मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप। आलोक मौर्य का कहना है कि उनकी दो बच्चियां हैं और बच्चियों के भविष्य के लिए वो अपनी SDM पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है, वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर लौट आएं। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। 12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए थे तुम जानती हो? अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम शिकार करने वाले, तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए कर सकते हो, आप मर जाएंगे मानवा दीजिए, आप कभी बैठ के सोचना इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी तो दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो गया ऐसे। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं, इसीलिए तो बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है, इसीलिए आपने नहीं बताया। उसकी उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था, बता दूं कहाँ थे ये भी पूरा बता दूं, मुझे पता है कहाँ कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे पता है, कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना उसी का, सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है, एक फोन में है ना नाम सेव है ना, आप एक फोन वो फोन क्या होता है यार, आप ADM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, ADM के नाम से नहीं, ACM के नाम से। हाँ तो मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो, तो अब किसका, मेरे पास नहीं है, बिल्कुल है, देख लो नहीं है, नहीं है मेरे पास नंबर। आप
आपके मन में जोर भी था, इतने मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे इतना हक था तो बोलते उससे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ था, नहीं है ना, नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार, बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा, जेल भेज पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार। आप ही कहती थी ना सुभरा भाभी ये है वो है जेल कर दे रही है, दूसरे भी कहती थी, अरे आप ही कहती थी, सब कहती थी, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हूँ कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं, बोलना चाहिए था ना सामने वाला सही था तो, आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया, नहीं नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला, मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला वो, करी हुई सही है, ओहो उसको आवाज ही नहीं आई, एक मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार कही जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो, जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला होगा। अच्छा कौन होगा कौन नहीं होगा, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, 50 लोग फोन नहीं उठाते किसी, फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है, 4 बार आया मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है, रात को फोन कर रहा हूँ बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुँच गया हूँ और क्या, जो पता था अब सोच रही मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है कब कहाँ जाता है सब पता है, लेकिन बस यही सब करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी और इतना तो है ही यार, यही हम पता है पति का कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया, क्यों मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे, हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिया, हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो तो आप कहीं नहीं बात करेंगे, क्यों बात की भाई, बात ही नहीं थी, देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे, ब्लॉक कर दोगे, अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा, आप कहोगे आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी, आपको ब्लॉक कर देंगे, वही बात है, उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती, बात करने की जरूरत। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है वही करने लगेगा, हमसे बता रही हूँ कलेक्ट्रेट, आप अपना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो, हमसे बता रही हूँ कल कलेक्ट्रेट में है, फोन किए हम तो पूछ लेना, चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है मुझे भी पता है ज्योति जी, 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है, हाँ भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उनको तलाश दे रहा हूँ, ये बात तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाश दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाश दे रहे हैं, तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो गया, अब तुम्हें बेशरम हो गया कि ऐसी बच्चों के लिए चुका लिया, पहले आपके साथ स्वीकार लिया तो अब क्या है, अब तो काली हो चुकी है तेरा।